महाराष्ट्र पिंचॅक सिलॅट असोसिएशनने दुसरी पिंचॅक सिलॅट फेडरेशन कप 2017 ही राष्ट्रीय स्पर्धा 28 व 29 डिसेंबर 2017 रोजी अग्रिकोळी सांस्कृतिक भवन नेहरूळ नवी मुंबई येथे आयोजित केली आहे. या स्पर्धेसाठी भारतातील विविध 28 राज्यातून 400 खेळाडू सहभागी झाले आहेत. याचे उद्घाटन गुरुवारी पार पडले. पिंचॅक सिलॅट हा इंडोनेशियन मार्शल आर्ट प्रकाराचा खेळ आहे. यामध्ये इतर मार्शल आर्ट खेळाप्रमाणे चेहऱ्यावर वार केला जात नाही. महिलांना संरक्षणासाठी उत्तम असलेला क्रीडा प्रकार त्यामुळे जगभर प्रचलित होत आहे. चपळता, वेगवान हालचाली, आत्मविश्वास वाढवणारा हा क्रीडा प्रकार विद्यार्थी, महिला, तरुणांमध्ये प्रिय होत आहे. येत्या एशियन गेममध्ये त्याचा समावेश पहिल्यांदाच केला गेला आहे. जागतिक पातळीवर या खेळामध्ये 90 देश खेळतात व आशियाई पातळीवर 34 देश खेळतात. हा खेळ 4 प्रकारात खेळला जातो. याबाबत प्रमुख पाहुण्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नवी मुंबई में पूरे देश भर के बच्चे यहाँ पर आए हैं. काश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पंजाब से लेके दिल्ली और महाराष्ट्र तक. और इन बच्चों का स्वागत करते हुए बहुत खुशी और आनंद महसूस हो रहा है कि नवी मुंबई ऐसी नगरी है जहाँ खिलाड़ियों में आकर उनकी जो उनके में कला गुण वो दिखाने का एक मौका नवी मुंबई में मिल रहा है. और इन बच्चों को मैं शुभेच्छा देती हूँ कि जिन्होंने भी ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है उनको भी धन्यवाद देती हूँ. और महाराष्ट्र सरकार ने इनके जो खेल है वो 40 लोगों को उसमें लिया नहीं, अंतर्भुक्त किया नहीं है, उसके लिए भी मैं और शशिकांत शिंदे जी सरकार में डिमांड करेंगे कि इन खेलों को भी सरकार ने अपने मूलभूत सुविधा देनी चाहिए, उनको लेना चाहिए और उनको प्रोत्साहन देकर सरकार की जो जो मदद है उनको मिलनी चाहिए. इसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे और मुझे बहुत खुशी है वापस इन सभी बच्चों को
मैं दिल से धन्यवाद और शुभेच्छा देती हूँ। नहीं, सभी खेलों की जरूरत है। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने के वो जो काठी चलाते हैं, डंडा चलाते हैं, तलवार चलाते हैं, उनकी शोबाजी करके बहुत सुंदर थी। और ये जरूरत है बच्चों को सीखना, लड़कियों को सीखना। अपने आत्मसंरक्षण के लिए एक लकड़ी भी काफ़ी होती है। ये इन्होंने अपने अपने प्रात्यक्षिक में दिखाया और मुझे बहुत खुशी है। एक अच्छी बात है, खेल के दरमियान एक हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि पूरे देश के लिए स्वाभिमान की बात रहती है कि देश का अभिमान रहता है, और वो खेल में भी दिखाने के लिए हर राज्य के लोग यहाँ आए हैं। उसमें हमारे किशोर येवले है, कचरे है, उन्होंने जो यहाँ पे नवी मुंबई में इस स्पर्धा का आयोजन किया है, उसमें जो चुन के आएगा वो एशिया खंड में जो स्पर्धा होने वाली है उसमें उनको मौका मिलने वाला है। हमने भी कराटे में अलग अलग तरीके की ये रहती है, उसमें एक सिंचक की एक जो स्पर्धा का आयोजन हुआ है, हमने उनको शुभकामनाएं दी है। उन्होंने यही भी बताया कि महाराष्ट्र में जो 141 स्पर्धा जो है उसको महाराष्ट्र के लोग और बच्चे वहाँ पे गोल्ड मेडल मिलाते हैं, लेकिन उसको बंदी किया है। उन्होंने हमारे से यही उम्मीद की है कि आप राज्य सरकार के दरमियान बातचीत करके इस स्पर्धा के लिए जो लोग अपना यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ पे स्पर्धा में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अगर ये उम्मीद होगी कि महाराष्ट्र उसमें नहीं जाएगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैंने उनको गवाही दी है कि आते अधिवेशन में, असेंबली सेशन में और उसके पहले भी किशोर येवले, कचरिया और सबको उनके सहयोग को लेके मैं खुद यहाँ के क्रीड़ा मंत्री के साथ बात करूँगा क्यों बंदी की है और उसको निकालने के लिए कि क्या ज़रूरत है, वो मैं उनके मीटिंग लगाऊंगा और उसके ऊपर आवाज़ उठाऊंगा। मुझे ख्याल है कि महाराष्ट्र सरकार अगर गोल्ड मेडल मिलता है तो उसके ऊपर फिर विचार करेंगे और उसको बढ़ोतरी देने का और प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। पूरे भारत देश से इस श्रृंखला में भाग लेने वाले सब बच्चे लोग आए और पिंचा की संस्था है किशोर येवले और हमारे सभी साथी ये लोग ने यहाँ एक इसका कार्यक्रम का आयोजन किया, हमें बुलाया, इसीलिए उनका हम शुक्रगुजार करते हुए। हमारे कचरे जो है दोस्त, उन लोग भी इसमें शामिल है। तो इस तरह टाइप का हमने तो फर्स्ट टाइम ये गेम देखा है, हम सुना भी नहीं था। तो ऐसे एक बहुत अच्छा गेम है और बहुत अच्छा स्पर्धा इस नेरुल में, खास करके हमने सिडको से या आगरीकोली सांस्कृतिक भवन बनाया उसमें दूसरे माले पे ये कार्यक्रम हो रहा है। आपको विनती है कि ये सभी लोगों को पता चले, इसीलिए बार बार ये न्यूज़ दिखाओ। और ये जो नया गेम है वो गेम देखने का नवम्बर में जो क्रीड़ा प्रेमी है उनको मौका मिले। और इस गेम को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नकारा है, उनको मान्यता दी नहीं। तो मुझे लगता है कि जो कोई बच्चे अच्छा नया गेम आगे लेके आते हैं, उनके मार्गदर्शक उसको सहयोग करते, उसको बंदी नहीं करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको मान्यता देना चाहिए। तो ये आज का जो कंपटीशन है पिंचक सिराट फेडरेशन, आज बोलायला गेलं तर किशोर येवले सरांचं मी आभारी आहे आणि त्यांच्या सगळ्या टीमचं, कारण की हा जो कार्यक्रम आहे पूर्ण हिंदुस्थानातून, काश्मीर असेल, गोवा असेल, उत्तराखंड असेल, सगळ्याच आणि महाराष्ट्र राज्यातून पण लोक आलेले आहेत। ह्या कार्यक्रमाचा एकच असा उद्देश मला दिसतोय, कारण की मी गेले दोन तीन सेशन यांचे अटेंड केले। एक सेफ्टीप्रमाणे एक मार्शल आर्ट असेल, परत शिवकालीन आर्ट असेल आणि दोन चार अशा गोष्टी आहे की एक सेल्फ म्हणजे जास्त करून येतात, फिमेलसुद्धा आहे आणि मेल पण आहे, जास्तीत जास्त मला वाटतं महिलासुद्धा आहे। तर त्यांच्या सेफ्टीसाठी मला असं वाटतं एक नगरसेवक म्हणून मी पालिकेतसुद्धा प्रस्ताव टाकलेला आणि माझा आर्टिकलसुद्धा आलेला टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये, पण नंतर काय सत्ता राष्ट्रवादीवाल्यांची असल्यामुळं त्यांनी काय पुढं जाब घेतला नाही। पण ह्या कार्यक्रमाला आमदार शशिकांतजी शिंदे साहेबसुद्धा उपस्थित होते आणि मंदाताई काकू पण होत्या। ते बोलले की गेल्या पुढच्या वर्षाच्या फेब 27 ते हे विषय घेणार आहे विधानसभेत। तर मला अभिमान वाटतो की सगळे आमच्या सातारपट्ट्याचे सगळे सर असतील, शशिकांत शिंदे काका असतील, माझे वडील विजय चौगले असतील, आम्ही सर्वच
या कलेला आम्ही प्रोत्साहन देऊ आणि कुठंही लागली तर तिथं आम्ही मदत करत राहू आणि आम्ही सगळे सोबत आहोत. मी इतना कहना चाहूँगा येवले सर का आभार मानना चाहूँगा और सभी अपने नवी मुंबई के जो बच्चे है. सर ने एक टॉपिक बोला था कुछ 41 विषय काहीतरी बाकी आहे तर ते क्लिअर करणार आहे आणि मला वाटतं नक्कीच आपल्या नवी मुंबई पोरांना त्याचा फायदा होईल आणि असेच सर आपल्या नवी मुंबईच्या पोरांच्या मागे राहत राहा आणि पुन्हा एकदा धन्यवाद मानतो. देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 28 और 29 ये डेट को राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया है और इसमें लगभग 28 राज्यों की टीमें खेल रही है. 400 खिलाड़ियों ने इसमें सहभाग लिया नोंद किया है. तो इतना बड़े तादाद में राज्य आने का रीज़न यही है कि इसी मैच से उनका एशियन गेम का जो एशियन ओलंपिक ऑर्गेनाइज करती है कि एशियन ओलंपिक ने जो इंडोनेशिया जकार्ता में ऑर्गेनाइज किया हुआ है एशियन गेम उसमें इसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता से संघ का सिलेक्शन किया जाने वाला है. और दूसरा जो जूनियर कैटेगरी की वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो थाईलैंड में हो रही है अप्रैल में उसका भी भारतीय संघ का सिलेक्शन यहाँ से ही किए जाने वाला है. और ये खेल जो है ये इतना अच्छा खेल है कि एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है. इंडोनेशिया का ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है. जैसे आपने देखा कि हमारा सिलम्बम मर्दानी लाठी काठी जो महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट है वैसे ये उनका मार्शल आर्ट है. उन्होंने ये कला दूसरे महायुद्ध में यूज की थी खुद की देश की रक्षा करने के लिए मगर हाथ पर की लड़ाई या उस वेपन्स की लड़ाई अभी नहीं रही इसलिए उन्होंने उसे कन्वर्ट किया है खेल में और वो ओलंपिक तक उसे लेके गए हैं. उसी तरह हम लोग जो शिवकालीन युद्ध कला है सिलम्बम जिसे मर्दानी लाठी काठी कहते हैं उसी तरह ही हम लोग उसका भी प्रयोग कर रहे हैं और हम लोग उसमें सक्सेस हो गए हैं. हम लोगों को स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी उसमें रिकग्नाइजेशन दिया है. देखिए नवी मुंबई में लगभग मैं पिछली 30 साल से खेल के क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ और जैसे पहले हम लोग कराटे में काम कर रहे थे तो हमें थोड़ा सा लगा कि नहीं क्यों हमारे जो पुरखों की युद्ध कला है उसमें काम करें तो हम लोगों ने जो मर्दानी लाठी काठी है जो सिलम्बम उसको एक्सेप्ट किया और इतनी अच्छी लेवल पे हम लोगों ने नवी मुंबई में उसे डेवलप किया कि पिछली 3 साल में नवी मुंबई के बच्चों ने सिलम्बम में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगभग 22 लाख की स्कॉलरशिप अचीव की है. मगर इस साल 2 तारीख से लेके 9 तारीख तक जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की दिल्ली में उसमें महाराष्ट्र की टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही है और पिछली 3 साल महाराष्ट्र टीम उसमें जीतती आई है. ओवरऑल चैम्पियन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा मेडल देती आई है तो दुख लगता है क्योंकि हम लोगों को इस आधार पे मान्यता दी गई थी कि आपको ये शिवकालीन युद्ध कला हम एक्सेप्ट करेंगे मगर आप लोग ये 3 साल हमें डेवलप करके दो और खुद के संगठन के खुद के पैसे से दो तो ये आधार पर हमें मान्यता दी गई थी और इस साल हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया कोई पत्र नहीं दिया गया है. खाली स्पोर्ट ऑफिसर ने कहा है कि ये 41 खेलों पे स्थगिति है और इसकी मैचेस इसके नेशनल लेवल पे या राज्य लेवल पे हम लोग नहीं लेंगे. 1-2 बाइट 1-2-3-4